हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि तांबे और पीतल के एकदम काले पड़े हुए पुराने बर्तन किस तरीके से हम मिनटों में, चुटकियों में एकदम नए जैसा चमका सकते हैं। जी हाँ, हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ एक ऐसी आसान विधि जिससे आप एकदम मिनटों में, चुटकियों में इस तरीके के काले पड़े हुए तांबे और पीतल के बर्तन आसानी से एकदम नया जैसा चमका सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही आसान विधि है। आप इस तरीके के तांबे के पूजा वाले बर्तन हो या फिर किचन वाले बर्तन जिसमें आप खाना खाते हैं, पूजा करने से इस तरीके से थोड़े बर्तन काले पड़ जाते हैं। रोज़ के रोज़ आरती करने से या फिर पूजा की थाली इस्तेमाल करने से, तो आप पीतल हो या फिर तांबा, आप इस विधि से बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं। तो दिवाली आने वाली है और आप सभी चाहते होंगे कि हमारे पूजा के बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमके, तो ये वाली ट्रिक अपनाएं। अगर पसंद आए ये ट्रिक तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक आसान सी विधि, बिल्कुल चंद मिनटों में आपके बर्तन बिल्कुल चमक उठेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तांबे और पीतल के बर्तन साफ करने के लिए हमने यहाँ पर एक गहरी कढ़ाई ली है। आप इस कढ़ाई की जगह पर एक प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। और अब हम इस कढ़ाई में 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये नींबू ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक बड़ा नींबू काट कर ले रहे हैं। और आप इस तरीके का नींबू जो ख़राब पड़ा हो या यूज़ का ना हो, या फिर आप यूज़ किए हुए नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रेश नींबू भी ले सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा बेकार नींबू था, वो हम ले रहे हैं। आप नींबू के छिलके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और या फिर अगर आपके बर्तन ज़्यादा काले हैं तो आप इसमें 2 नींबू भी ऐड कर सकते हैं। नींबू का रस नहीं निचोड़ना है, हमें सिर्फ नींबू काट कर इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें सारे बर्तन ऐड कर देंगे। गाइज, ये इतनी कारगर विधि है और इतनी आसान कि आप बिना किसी मेहनत के किचन के काम करने के साथ साथ समय समय पर आप अपने तांबे और पीतल के बर्तन भी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये कढ़ाई में बर्तन सारे डाल दिए हैं और अब हम इसे रखेंगे गैस स्टोव पर। तो अभी हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें एक उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ चुका है, लिड हटाएंगे और इसमें डिश वॉशर ऐड करेंगे। आप कोई भी विम या प्रिल 1 बड़ा चम्मच इसमें ऐड करें, और 2 बड़े चम्मच इसमें हम सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे। और अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सिरका और थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड किया है और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए उबलने दें। आप देख सकते हैं इन बर्तनों के ऊपर झाग आ रहा है, तो ये झाग आना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से बर्तनों को उबालें पानी के अंदर, जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है नींबू, डिशवॉशर और सिरके का, ये बहुत ही कारगर तरीका है। आप इसमें अगर इस तरीके से बर्तनों को साफ़ करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम महिलाओं के लिए ये बहुत ही आसान तरीका है पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने का, एकदम नया जैसा चमकाने का, ये सबसे आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं बर्तनों को हमने बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद हम इन बर्तनों को 30 मिनट के लिए इसमें पड़ा रहने दें तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम इन्हें उसके बाद बाहर निकालेंगे। अगर थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है कालापन, तो इस पर आप थोड़ा सा स्क्रबर लगाएं, जो स्टील वायर का स्क्रबर आता है या फिर स्कॉच ब्राइट, आप उससे इस तरीके से साफ कर सकते हैं। और ये प्रोसेस हम प्रेशर कुकर में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, सेम मेथड। अब हम ये प्लेट लेंगे और इस पर थोड़ा सा बर्तन धुलने का कोई भी सोप ले लें, और उसे वायर स्क्रबर आता है स्टील का वो, या फिर कोई भी स्कॉच ब्राइट, उससे आप इसे थोड़ा सा घिस दें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा अंदर की ओर कालापन सा था, वो इससे साफ़ हो जाएगा। और ये बर्तन 30 मिनट के लिए छोड़ने होते हैं उसी पानी में जो हमने लिक्विड तैयार किया था, बट हमने इसे तुरंत निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। अगर आप उसी पानी में इसे छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए, ये बिल्कुल नया जैसे चमक उठते हैं। अब हम इसे आपके सामने वॉश करके दिखाते हैं कि ये चंद मिनटों में ही किस तरीके से चमक उठी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ये देखें, पूजा स्थान पर पूजा के समय एकदम नए चमचमाते बर्तन होने से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पूजा की प्लेट जो है ये कितनी ज़्यादा चमक उठी है।
तो अब आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। हमारे पास जो हमारे पूजा के बर्तन थे ये सारे आपके सामने हैं, जो कि हमें स्क्रब भी नहीं करने पड़े हैं, बस हमें इस प्लेट को स्क्रब करना पड़ा है और ये सारे बर्तन चमचमा उठे हैं। तो देखा ना आपने कितनी आसान विधि है, और बस हमें इन्हें पानी में उबालना है और ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे चंद मिनटों में ही बिना किसी मेहनत के। तो गाइज अगर आपको ये टिप एंड ट्रिक एकदम कारगर लगी हो, काम की लगी हो और आसान विधि है पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये है बहुत ही आसान विधि तांबे और पीतल के बर्तनों को एकदम नए जैसा करने के लिए। तो आप इस विधि को शेयर कीजिए, अपनाइए अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, एकदम आसान तरीका है और बहुत जल्दी हो जाता है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे अपलोड होने वाले न्यू अपडेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए एक बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपको एक घंटी की आवाज़ सुनाई देगी ताकि आप हमारे नए अपलोड्स देख पाएँ। तो गाइज़ अगर ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।